हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। रात की घटना है, करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच की घटना है। इसी घर में आग लगी थी और यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हुआ, आसपास के लोग जगे, उसके बाद केवाड़ी तोड़ी गई। बताने अनुसार लोगों ने मदद की, उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। बहुत सा सामान क्षति हुआ है। आइए पूछते हैं चल के मकान मालिक से घटना के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र प्रसाद। ये जो आग लगी कैसे लगी, कुछ बता पाएंगे? नहीं, तो 3 बज रहा था रात। अच्छा। हमारी पत्नी आवाज़ देने लगी कि उठिए उठिए, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, गंध आ रहा है। अच्छा। तो हम मेन गेट खोले तो देखे कि आग लगा हुआ है। अच्छा। तो फिर हम हल्ला किए, हल्ला टोला हल्ला जुटे, पाइप से पानी दिए, कबाड़ी तोड़े, तब जाके बुझा, तब जा करके आग बुझी। जी। और ये उसमें क्या क्षति और क्या सामान गया है आपका? जलने वाले सामान में कौन कौन सी चीजें जली? कवाड़ी जल गया, रेलिंग था वो जल गया है। अच्छा। छत फट गया, छत भी फट फट के गिरा है। अच्छा। तो और ये गाड़ी वाड़ी भी है क्या? हाँ, गाड़ी रेंट वाले रहते थे, एक मास्टर था, उनकी गाड़ी जली है। उनकी गाड़ी जली है। क्या नाम है उनका? परवीन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं वो? पटना तरफ के रहने वाला है, हाजा नगर ब्लॉक में काम करते हैं, सरकारी मास्टर है। अच्छा, सरकारी मास्टर है। हाँ। तो वो अभी इस वक्त जिस वक्त जहाँ आग लगी तो वो छुट्टी में घर गए हुए हैं या फिर यहीं? आवाज हम दिए, हल्ला किए। अच्छा, उनको भी फिर जगाया? हाँ, मास्टर साहब, मास्टर साहब उठिए। थोड़ा सा देखने लायक है यहाँ पे, चलेंगे इधर। आइए आइए आइए। ये देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जली है, हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं। अंधेरा है लेकिन कुछ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से पूरी जल गई है। और ये कौन सी गाड़ी है इसकी पहचान करना तो मुश्किल है, लेकिन पूछना पड़ेगा। अच्छा, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर जली है। और ये जो है मीटर भी इनका यहाँ पे था, मीटर भी जल गया है पूरा। और इस तरह से हो सकता है कि संभावना दिख रही कि शॉर्ट सर्किट का भी मामला हो सकता है, लेकिन इनके बताने अनुसार कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कैसे आग लगी, लेकिन इस तरह से पूरी वायर जला हुआ है इलेक्ट्रिक का, आप देख सकते हैं। हम आगे की तस्वीरों को भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से कालापन जितना भी छाया हुआ, ये पूरा गैलरी है इनके, बोला जाए कि इनके ऊपर घर जो बना हुआ है, बिल्डिंग जो बनी हुई है, वो जाने का मुख्य द्वार है और ये पूरा जला हुआ है। हम आगे भी जाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्षति हुई है, किस तरह से हुई है। ये देखिए, ये पूरा जो है इस तरह से जल गई है और ये केवाड़ी भी यहाँ बच गई है जो थोड़ा सा जल गई है। और ऊपर से ये देखिए, ये पूरा जो रेलिंग है ये सारा, ये आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा जला हुआ है। ये पूरा आग की लपट कहें, लौ के इतने भयावह था कि पूरा काला काला सीढ़ी का जो सिरा है इनका, पूरा चढ़ने वाला ऊपर तल्ला तक, वो इस तरह से आग की लौ से काला हो गया है। क्या नाम है आपका? प्रभास कुमार। क्या काम करते हैं आप? हम सरकारी शिक्षक हैं। आपकी जो गाड़ी जली है, आप ही की जली है? जी हाँ। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर i3s मॉडल, i3s। अच्छा, 2018 मॉडल। कोई प्रूफ है आपके पास? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन है।